गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर कंप्लीटेड योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक इन योर नोटबुक्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द सेकेंड चैप्टर, दैट इज द फार्मर एंड द बुलॉक कार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डू द न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। द न्यू वर्ड्स आर फार्मर किसान, व्हील्स पहिए, मार्केट बाजार, रिक्वेस्ट बेनती करना, लोडेड भर देना, सक्सेसेस कामयाबी, पाथ रास्ता, गोल्स ऑब्जेक्टिव मीन्स किसे जगह तक पहुँचने ली, नियम्स। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। सुजीत वॉज अ फार्मर, ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड, ही हैड वर्कड इन वेरी हार्ड ऑन हिज फार्म। द क्रॉप वॉज रेडी, ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ टू द ग्रेन मार्केट। ऑन संडे इवनिंग ही लोडेड द बुलॉक कार्ट विद द बैग्स ऑफ व्हीट। सुरजीत नाम का एक किसान है जो कि 60 ईयर्स ओल्ड है। वो बहुत ही मेहनत करता है अपने खेतों में और उसके जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है उसकी, वो रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसको ग्रेन मार्केट में, मंडी में लेकर जाएगा उनको सेल करने के लिए। तो संडे इवनिंग को वो अपनी सारी जो क्रॉप्स हैं, जो सारी फसल है, उसको एक बुलॉक कार्ट के ऊपर एक वो जैसे गड्ढा बोलते हैं जिसके आगे बैल लगे होते हैं, उसके ऊपर वो उसको लोड करता है, रख लेता है, भर लेता है उसको, बैग्स ऑफ व्हीट को। ऑन मंडे मॉर्निंग ही लेफ्ट फॉर द दाना मंडी। तो संडे शाम को जो तैयारी कर लेता है और मंडे सुबह होते ही वो दाना मंडी के लिए तैयार हो जाता है जाने के लिए। द पाथ वॉज कच्चा, ही हैड ऑल्सो इट हैड ऑल्सो रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट। तो जो पाथ है, जो रास्ता है, बहुत कच्चा है और एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है रात को। द फार्मर वॉज गोइंग स्लो बिकॉज ही न्यू दैट द व्हील्स ऑफ द बुलॉक कार्ट माइट गेट्स ट्रक इन द मड। जो फार्मर है, किसान है, बहुत ही स्लो चल रहा है क्योंकि वो जानता है कि जो व्हील्स हैं, जो पहिए हैं उसके बुलॉक कार्ट के, वो कभी भी मड के अंदर, उस गारे में, उस मिट्टी में स्टक कर सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं। As he was passing by a field, the wheels of his bullock cart got stuck in the mud. जब वो खेतों से गुजर रहा है, निकल रहा है, पास आउट कर रहा है फील्ड्स को, तभी उसका जो व्हील्स हैं बुल्लॉक कार्ट के, वो एकदम से मड में, मिट्टी में धंस जाते हैं। He tried hard to pull out his bullock cart, but all in vain. He called out for help, but the farmers working in the field ignored his request. वो बहुत जोर लगाता है, बहुत पुल करता है अपने कार्ट को, लेकिन वो नाकामयाब होता है, उसका नहीं होता। जो नज़दीक किसान खेतों में काम कर रहे हैं, वो उनको भी बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसान उसको इग्नोर कर देते हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं उसकी रिक्वेस्ट को। द फार्मर अगेन ट्राइड हार्ड टू पुल द बुलॉक कार्ट आउट ऑफ द मड, बट ऑल हीज एफर्ट्स वर ऑफ नो यूज। वो दोबारा से कोशिश करता है कि निकाल सके उसको, लेकिन उसके जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, वो नाकामयाबी रहती हैं। इट वॉज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा होना शुरू हो गया। द फार्मर वॉज ओल्ड एंड वीक, स्टिल ही वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड। इतना कमज़ोर है वो, उतना एज्ड है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि उसको निकाल पाए। इन द मीन टाइम टू यंगस्टर्स केम एंड लेट हेल्पिंग हैंड। द थ्री ऑफ देम सक्सेसफुली पुल्ड आउट द बुलॉक कार्ट। द फार्मर वॉज हैप्पी एंड ब्लेस्ड द यंगस्टर्स। तभी उसी समय क्या होता है, दो जवान लड़के वहाँ आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, तो वो तीनों उसको निकालने में कामयाब हो जाते हैं, उस बुल्लॉक कार्ट को, उस मड में से। तो जो फार्मर है वो बहुत खुश हो जाता है और उन जो यंगस्टर्स हैं उनको ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देता है उनको। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ चैप्टर। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज सुरजीत। द आंसर इज, सुरजीत वॉज अ फार्मर। द सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर वॉज ही गोइंग। आंसर इज, ही वॉज गोइंग टू द ग्रेन मार्केट। द थर्ड क्वेश्चन इज, वॉट वॉज हिज बुल्लॉक कार्ट लोडेड विद। आंसर इज, हिज बुल्लॉक कार्ट वॉज लोडेड विद द बैग्स ऑफ व्हीट। द फोर्थ क्वेश्चन इज, What happened as he was passing by the field? Answer is, as he was passing by a field, the wheels of his bullock cart got stuck in the mud. The
The fifth question is, who lent a helping hand to the farmer? The answer is, two youngsters lent a helping hand to the farmer. Now the next one is objective type questions. Pick out the correct answers and write in the blank space. Once a dash was going to the market. तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, पॉटर, फार्मर, पेंटर. द आंसर इज फार्मर. द बुलक कार्ट वॉज हैवली लोडेड विद द बैग्स ऑफ डैश, वीट, बार्ले, राइस ग्रेन. इट इज वीट. थर्ड इज गॉड डैश दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. द आंसर इज हेट्स, लव्स, हेल्प्स. तो आंसर आएगा द गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. The fourth one is the dash help the farmer. The three options are youngsters, old man and children. The answer is the youngsters help the farmer. The next is vocabulary. Days of weeks आपको ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन हमने ये fill-ups करनी है, fill in the blanks हैं ये. Dash is the first day of the week. The answer is Monday. Monday is the first day of the week. Tuesday is the dash day of the week, second day of the week. Wednesday is the dash day of the week, third day of the week. Dash is the fourth day of the week. The answer is Thursday. Thursday is the fourth day of the week. Dash is the fifth day of the week, Friday. Friday is the fifth day of the week. Dash is the seventh day of the week, Sunday. Sunday is the seventh day of the week. Tuesday comes after Monday. Dash comes after Friday, Saturday. Saturday comes after Friday. Dash comes between Tuesday and Thursday, Wednesday. Wednesday comes between Tuesday and Thursday. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है मंथ ऑफ द ईयर. ये हमें दिए हुए हैं, ये प्लांट बनाकर दिए हुए हैं. हमने इनको लाइन वाइज लिखना है. आपने अपनी नोटबुक पे इसको लिख लेना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो ये ट्रेन बनी हुई है और इसमें हमको सभी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प लेकर, जिसको यूज़ करके हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको बोलते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. मींस आवाजाही के साधन. यह चार तरह के होते हैं, बाय रोड, बाय रेलवे ट्रैक, बाय एयर, बाय वाटर. क्लियर. तो अभी ये हमें मिक्स दिए हुए हैं, लेकिन जो नीचे है हमारा डी पार्ट, राइट द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो सेंटर में लिखा हुआ है वाटर ट्रांसपोर्ट, तो हमने चार तरह के वाटर ट्रांसपोर्ट बताने हैं जो कि वाटर में यूज होते हैं. तो हम ये चार लिखेंगे, बोट, शिप, स्टीमर, मोटर बोट. अगर आपको इससे अलावा भी कोई आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन हमने चार लिखने हैं. इसके बाद है लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट लिखनी है हमें, जितने भी जो सर्कल बने हुए हैं उस सब में एक एक लैंड ट्रांसपोर्ट को हमने फिल करना है. तो हम फिल करेंगे कार, बाईसाइकिल, ट्रक, वैन, जीप, बस, रिक्शा, ऑटो रिक्शा. तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई नॉलेज में लैंड ट्रांसपोर्ट है वो भी आप लिख सकते हो. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज एयर ट्रांसपोर्ट. चार तरह के एयर ट्रांसपोर्ट हमने लिखनी है, तो हम लिखेंगे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, एयरशिप. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मुस्कान वांटेड टू बाय एप्पल्स, मुस्कान वेंट टू द मार्केट. देखो बच्चा, ये हमारा नाउन है. ये नाउन होता है, जो नेमिंग वर्ड्स को नाउन बोलते हैं, लेकिन अगर वो वर्ड जो नाउन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे ये दो सेंटेंस हैं, ये मुस्कान जो नाम है वो दो बार यूज़ हो रहा है, तो उसको हम दो बार यूज़ करने की बजाय जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें हम शी यूज़ करेंगे, क्योंकि मुस्कान एक लड़की है, उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे. अगर लड़के की बात हो रही हो तो वहाँ ही यूज़ होता है. तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, मुस्कान वांटेड टू बाय एप्पल्स, शी वेंट टू द मार्केट. कीरत आल्सो वांटेड एप्पल्स, कीरत वेंट विद मुस्कान. तो कीरत क्या है, बॉय है. तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे.
Kirat also wanted apples. He went with Muskan. Muskan and Kirat are now eating apples. तो यहाँ पर दोनों जाने apples खा रहे हैं, तो हम यहाँ they use कर दे सकते हैं. They are now eating apples. Clear? इसके बाद हैं fill in the blanks. Fill in the blanks selecting the correct pronoun from the given choices. The first one is Dash went to Delhi yesterday. Him आएगा, her आएगा या फिर they आएगा. यहाँ पर हमारा आएगा they went to Delhi yesterday. Dash are going to school. He आएगा, she आएगा या we आएगा. तो are लगा हुआ है सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे we. We are going to school. I saw Seema and Mona. Dash were going to a going for a picnic. She आएगा, them आएगा या they आएगा. दो जनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे they were going for a picnic. Dash is reading a story. They आएगा, he आएगा या we आएगा. एक बंदे की बात हो रही है, इज लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे he is reading a story. Dash likes apples. She आएगा, him आएगा या them आएगा. सिंगल की बात हो रही है, तो यहाँ लगेगा शी लाइक्स एप्पल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो नेक्स्ट पेज है आपका राइम का, ये आपने सिर्फ रीड कर लेनी है जस्ट एट वंस, इसको नोटबुक पे लिखने की जरूरत नहीं है. इसके आगे आपके पास है सिक्स लाइंस ऑफ द काउ. द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक होता है पालतू पशु, जिसे हम घर में रख सकते हैं. It has four legs, two eyes, two ears and tail. It gives us milk. It eats grass and fodder. Its milk is very healthy. Many sweets are prepared from its milk. The cow is a very useful animal. Write down all these six sentences in your notebook about the cow. Okay students, now the next is look at the picture carefully and write five sentences about it. आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इस पिक्चर के बारे में जो भी आपको समझ आ रहा है या जो भी आपको रियलाइज़ हो रहा है, वो आपने फाइव लाइंस लिखनी है इस पिक्चर के बारे में. तो मैं फाइव लाइंस एक बार आपको बोल देती हूँ. इट इज़ अ सीन ऑफ फेयर. ये मेले का सीन है. मैनी पीपल आर इंजॉइंग द फेयर. बहुत से लोग इस मेले को इंजॉय कर रहे हैं. टू चिल्ड्रन आर बाइंग बलून्स. दो बच्चे बलून्स खरीद रहे हैं. टू चिल्ड्रन आर इंजॉइंग कॉटन कैंडी. दो बच्चे कॉटन कैंडी खा रहे हैं. देयर आर मैनी गेम्स एंड राइड्स इन द फेयर. मेले में बहुत सी गेम्स और राइड्स लगी हुई हैं. इस तरह से आपने इस पिक्चर के बारे में फाइव सेंटेंसेस लिखने हैं. ओके आई विल सेंड यू द पिक ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स एंड फाइव लाइन्स अबाउट दिस पिक्चर. मैं आपको ये सेंड भी कर दूँगी. Do all the question answers and book work in your notebook and send it to me in the group. Okay, bacha. Thank you.